किले को भी कसवा करके एक एक करके बेच दिया और सारी दौलत को रानी ने बागों में भेज दिया। राजा को नहीं मालूम था कि मेरे पास कुछ रह गया है या नहीं रह गया। छुपा लिया अगर सिपाही मेरे पास दौलत लेने के लिए आएंगे तो मैं अपने शरीर को भी बेच करके दौलत भेज। वही राजा हरिश्चंद्र जैसा होने लगा, राजा हरिश्चंद्र जैसे होने लगा। भैया त्राय त्राय करके रानी रो रही थी, बिंदुमती अगर स्वामी मेरे पास खोजा भेजते हो तो मैं अपने शरीर को भी बेच करके तुम्हारे पास दौलत भेज। उधर भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र को उघाड़ के देखा कि राजा के पास कुछ नहीं है। भैया मेरा फोड़ा ऐसे ठीक नहीं होगा, मेरा ये कूड़ा ऐसे ठीक नहीं होगा। राजा हाथ जोड़ के बोलो कैसे होगा महाराज।